We with arms wide open accept that Gangs of Vasepur has influenced everyone associated with our show and also some rare endangered birds to such extent that we are highly obliged. Manoj Bajpayee, Chutiyagiri, Bakwas, Gane. Thank you, Anurag Kashyap. Jai Hind. नमस्कार, जय हिंद में आपका स्वागत है। रिसेंटली एक फिल्म आई जो दो बार रिलीज हुई, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट वन, और फिर जो कसर बाकी रह गई थी उसे पूरा करने आ गई पार्ट टू। हमने बहुत दिनों तक इस फिल्म पर कोई जोक नहीं किया क्योंकि इसके गाने अपने मतलब हमारे बरख बाबू ने लिखे थे, पर हम कब तक अपने गरिमान में नजर डाले बगैर रह सकते हैं, है ना? सो हियर इज आवर टेक ऑन गैंग्स वन एंड टू। पहले अच्छी बात, नवाजुद्दीन इस कोलगेट फिल्म के असली डायमंड निकले। बरख बाबू के गाने भी अच्छे थे, भले आज उनकी पैरोडी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन बाकी पिक्चर कुछ वैसे समझ में नहीं आई गालियों के अलावा। गालियां तो समझ आनी थी, जो परंपरा हमने 3 साल पहले इंटरनेट पर शुरू की थी बाकायदा डिक्शनरी के साथ। ये देखिए देखिए, हाँ, इधर से एक रिश्ता उठाया, उसमें सेक्स जोड़ा, बन गई गाली। वैसे कुछ इनोवेटिव गालियां भी होती है, हाँ, जैसे बनारस की स्पेशल भोसड़ी का, आई डोंट नो व्हाट इट मींस, स्ट्रेंज सी गाली है ना, भोसड़ी, बट आई थिंक इट गोज वेल विद सम स्ट्रेंज लीडर्स। एक्चुअली गाली और इंसान का वही रिश्ता है जो अच्छी फ्रेंच वाइन और चीज का है। एक तरह से इंसान के लिए एक तरह की गाली ही यू नो सूट होती है, एंड इट टेक्स एन एक्सपर्ट विद ग्रेट टेस्ट टू नो कि किसको कौन सी गाली फिट बैठती है, है ना? फिर तो गालियों की जो परंपरा हमने 3 साल पहले इंटरनेट पर शुरू की थी उसे अनुराग कश्यप फिल्मों में ले आए, और जितनी गालियां हमने 3 साल में दी थी उतनी हर 3 मिनट में फिल्में उगल दी। गाली कुछ कम होती तो शायद फिल्म एक ही पार्ट में ख़त्म हो सकती थी, पर क्या करें, ओ सुट्टा उट्टा गांजा वंजा मार के फिल्म बनाते समय ये सब थोड़े ही ना याद रहते, लंबी भी छोटी लगती है, फिर धुएं में वक्त जल्दी उड़ जाता है। 2 पार्ट मिलाकर इस कोयला एपिक ने जो कुछ बाकी छोड़ा था यूपीए सरकार ने कोल ब्लॉक एलोकेशन में उसकी भी कसर पूरी कर दी। कह के लूंगा तो यूपीए 2 का ऑफिशियल स्लोगन है, एंड नॉट यूपीए 1 एंड यूपीए 2। बेसिकली गैंग्स ऑफ वासेपुर यूपीए सरकार पर ही आधारित है। कौन क्या कर रहा है समझ नहीं आता, लेकिन सब लगे रहते हैं सबकी लेने। और जैसा ऑपोजिशन पार्लियामेंट में यूपीए के साथ कर रहा है वैसा ही काफी जगह पर दर्शकों ने वासेपुर के साथ किया, यस मतलब वॉकआउट कर गए। अनुराग कश्यप के हिसाब से ये लोग एल के अडवाणी की तरह बूढ़े और खुसट टाइप के, जो भी हो मुझे चिंता है वाईकॉम 18 की। ये साले कलर्स पे कैसे दिखाएंगे ये फिल्म? नहीं, मेरे मुंह पे तो कैंची चला देते थे लोग, याद है ना? नहीं याद है, वो भी देख लो। चलो, ये वैसा ही है जैसे पुरानी फिल्मों में हीरोइन का अमीर बाप गरीब हीरो से कहता था कि ये लो ब्लैंक चेक, इसमें जितनी चाहे रकम ले लो, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाओ। तो सोच रहा हूँ कि जब ये वासेपुर टीवी पे आएगी तो कैसे होगा, कुछ इस तरह होगा। Anyway, keeping with the tradition at Jai Hind, we present to you our TV-friendly versions of the songs of Vasepur from the completely censored upcoming films, Gangs of Government. पहले देखिए दिल चीचा लेदर और फिर तार बिजली से पतले हमार पिया, आइए। मेरा नेता पे एक लीटर पे सच्ची ना डर डर, फोन से बोला वोट कर दिया अब जब मर
वरिष्ठ नेता। अब हम सुनते हैं गैंग्स ऑफ गवर्नमेंट का दूसरा हिट गाना तार बिजली बहरे गूंगे। बहरे गूंगे बहरे गूंगे से चुप हैं हमरे पियमवा, बहरे गूंगे से चुप हैं हमरे पियमवा। ओरी सोनिया बता तूने ये क्या किया, ओरी सोनिया बता तूने ये क्या किया। बहरे गूंगे से चुप हैं हमरे पियमवा, बहरे गूंगे से चुप हैं हमरे पियमवा। मनमोहन जी बड़े झूठे, मनमोहन जी कब खुलेगा आपका मुंह, कब खुलेगा आपका मुंह। मनमोहन जी ब्रेक के बाद कैंडिड फुटेज से मल्टीप्लेक्स स्क्रीन से, ब्रेक के बाद कैंडिड फुटेज से मल्टीप्लेक्स स्क्रीन से ऑफ थ्री फ्रेंड्स वॉचिंग गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट टू। बजाओ जी का एडिशन टू लाइव फ्रॉम द स्क्रीनिंग ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट टू। चेक दिस आउट। गावर टू में क्या होगा? अबे गावर टू ना है, गैंग्स ऑफ वासेपुर टू। गावटू बोलते हैं मोटे। गावटू साला तू गावटी है, इसके लिए ऐसा बोल रहा है। क्या करें, चले चुपचाप। फोन काट दिया जब यार, रुक रुक छोड़िए, चलिए अपने लिए है बंदोबस्त पुलिस का। जब्बार हाँ बहनचोद, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं शेर जीत गया। मैंने कहा था ना कि गांव टू में भी फिल्म शुरू होने के 10 सेकंड में गाली गलौज शुरू हो जाएगा। क्या है स्टैटिस्टिकली देखा जाए ना तो गांव वन में भी फिल्म के पहले 10 सेकंड से गाली गलौज शुरू हो गया था। ए वेंकी, ए वेंकी, ए साले, ए मदरचोद, तू तो शर्त हार गया ला मेरा 500 रुपए दे। माँ के लौड़े तू कैसे जीत गया? क्या? वो देख, माँ देख, मैं जीता हूँ। मैंने तुझसे कहा था ना ये पिक्चर शुरू होते ही पहला डायलॉग उसमें गाली नहीं होगी। तुमने कहा था मादरचोद ऐसे गाली होगी, लेकिन उसमें मादरचोद नहीं है। यानी मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ, भोसड़ी के चश्मी बिच्छू में। साले मोटे, हमारे 5,000 रुपए की शर्त भूल गया तू? मैंने कहा था इस लंड फिल्म के फर्स्ट डे फर्स्ट शो में हम तीनों के अलावा 30 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे थिएटर में। गिन, तू तो माँ चुदा रहा था ना, GOW2 का फर्स्ट डे फर्स्ट शो हाउसफुल जाएगा, मरा ले अपनी 500 ये रे 4,500 रुपए निकाल। रख प्लेट समोसा, पॉपकॉर्न दे, निकाल निकाल निकाल। देना देना यार। स्वामी भैया बिना कह के लूंगा, वो क्या है ना कालकी के दांतों में ब्रेसेस लगाने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। गैंग ऑफ वासेपुर टू। पहले मैं तो लगवा लो, ये वो है रे अनुराग बासु। अनुराग कसम कसम, नो नो ही इज द हंटर। कसम जो जेल में
आई एम अ हंटर या हंटर यू वांट टू सी माय गन अरे बात होता है वो ब्रेसेस करके को लगाएगा ये मेरे को ब्रेसेस लगा के नहीं दे सकता तो वो पैसे से तू उसकी बीवी है बीवी तेरी होगी साले चले चले और तू ब्रेसेस लगाएगा समोसे खा रहा है पॉपकॉर्न खा रहा है आराम ज्यादा मेरा आंख में मसाला जा कौन मारा मारा चोर ये देख देख ये वही रे जब ब्लैक फ्राइडे में नंगा मारते रहे जिसको इंटरोगेशन वाले सीन में अरे तोंदू दिख रहा है तू तो चश्मा तो लगाए नहीं तेरे को दिख रहा कैसे तू लगा रहा है अंधेरा है यहाँ सो जा तू जेंस ऑफ बॉसिप वन एंड टू इंस्पायरिंग अ होल न्यू जनरेशन बातें कम लेना ज्यादा अरे छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी स्टोरी जाए माँ चुदाने रैंडम ओ कहानी This seems to be Anurag's patented filmmaking style. Break के बाद एक fascinating नया application. How will you look when you are old? सब्जेक्ट की ओर रुख करते हैं दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मेरे फालतू या खाली समय में जो आजकल मेरे पास बहुत है मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें करता हूं फॉर एग्जांपल अपनी बिल्डिंग के सारे नल और नाले चेक करके रिपेयर करता हूं या फिर गुरमे मतलब रिक्शा ड्राइवर्स के लिए गुरमे कुकिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज करता हूं या फिर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स या आईफोन के लिए एप्स डेवलप करना यस मैंने हाल ही में एक एप्लीकेशन डेवलप किया है हाँ इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा इस एप्लीकेशन से आप बूढ़े होने के बाद कैसे दिखोगे जी हाँ हाउ विल यू लुक व्हेन यू आर ओल्ड मेरे इस ऐप के जरिए से आपको पता चलता है अरे सुमित भाई ऐसे ऐप तो मार्केट में भी अवेलेबल है इनफैक्ट फेसबुक पर भी अवेलेबल है तो आपका ऐप ऐसे अलग कैसे हुआ ये सब मेरे हाउ विल यू लुक व्हेन यू आर ओल्ड ऐप की कॉपीज करते हैं यार एप्पल और एंड्रॉयड वालों ने चोरी की यहाँ तक के उस कमीने मार्क जुकरबर्ग ने भी चुराया है अरे लेकिन सुमित भाई अरे चुप रहो चुप रहो मार खाएगा नहीं तो तो देवियों और सज्जनों ये रहा मेरे बनाए गए हाउ विल यू लुक व्हेन यू आर ओल्ड ऐप का टेस्ट रन देखते हैं कि फेमस लोग बुढ़े होने के बाद कैसे दिखेंगे हैं लेट्स चेक आवर फर्स्ट कैंडिडेट ओह इट्स सिमी गरेवाल ध्यान रहे ये मेरा नाम जो करके टाइम की फोटो ओके अब ये ओल्ड वाला बटन दबाते हैं फैंटास्टिक देखा आपने मेरा ये ऐप कितना एक्यूरेट है सिमी गरेवाल के फेस में पिछले 30 सालों से कोई चेंज नहीं है देखिए व्हाट एन ऐप है ना क्या बात चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है हाइला सचिन हाँ ये प्रोग्राम जो है वो सचिन की इमेज को प्रोसेस कर ओ नहीं कुछ बोला तो सारे सचिन फैंस मुझे डेथ थ्रेट्स देंगे नेक्स्ट कैंडिडेट देखते हैं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी बुढ़े होने के बाद कैसे देखेंगे राहुल गांधी वाओ क्या बात है राहुल ने जवानी में आई मीन मिडिल एज में दलितों के घर खूब रोटियां खाई बुढ़ापे में वो खुद रोटी मेकर के अवतार में दलितों के लिए रोटियां बनाएंगे देखिए क्या बात है क्या बात है व्हाट अ नोबल जेस्चर फैंटास्टिक तो आगे बढ़ते हैं राम गोपाल वर्मा अपने बुढ़ापे में कैसे दिखेंगे ये देखते हैं ओह नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग लास्ट कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल मुझे हमेशा से शक था कि अरविंद केजरीवाल सांपों की भाषा समझ सकता है नहीं समझे ये होमवर्क आपके लिए है जाओ किसी हैरी पॉटर फैन को पूछो
ब्रेक के बाद इससे भी डेडली आविष्कार बाय आवर वेरी ओन मास्टर साइंटिस्ट DRDO. यस दैट्स इज दैट्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. आई थिंक दैट्स व्हाट इट्स फुल फॉर्म इज आई थिंक बट आई एम नॉट श्योर. खैर लेते एक छोटा सा बजाओ. रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ने रिसेंटली इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एक स्किन क्रीम. जी हाँ, यू हर्ड दैट राइट, स्किन क्रीम. आइए मिलते हैं इस विंग के चीफ साइंटिस्ट से जिन्होंने ये आविष्कारी स्किन क्रीम का निर्माण किया है. आप भाई किस पे चढ़ रहे हो भैया, ये क्रीम ढूंढ रहे तो ये आपने मुझे दी है. तो आप साइंटिस्ट हैं? हाँ, क्या कर लोगे? नहीं नहीं, ये कॉन्वर्सेशन की शुरुआत है, ऐसा अक्सर बोलते हैं. तो सर आप ये बताइए कि 20 साल से ना कोई एयरक्राफ्ट ना कोई रडार आप बना पाए, लेकिन ये स्किन क्रीम आपने बना ली. तो ये कैसे सोचा आपने? मार्केट पे स्किन क्रीम्स की कमी है? एक्चुअली सुमित, ये क्रीम का डेवलपमेंट 1970 से चल रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली हमें प्लास्टिक नहीं मिल सका था 40 साल से. अब फाइनली US के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बाद हम प्लास्टिक की ट्यूब्स बना सकते हैं. तो इस क्रीम के फीचर्स क्या हैं? क्रीम के क्या फीचर्स होते हैं भाई, गोरा बनाती है बस. लेकिन हमारे जवानों को गोरा होने का क्या फायदा? सुमित मुंह मत खुलवाओ, फिर लोग कहेंगे मैं रेशियल कमेंट पास कर रहा हूं. नहीं, और तुम भी सुन लो, तुम आज नहीं समझे. क्या मैं आज क्या नहीं समझे क्या? छोड़ो, तुम समझ गए. आई नो. एक्चुअली ये फेयरनेस क्रीम का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो पाकिस्तानी सोल्जर्स कंफ्यूज हो जाएंगे. हमारे अगर सिपाही गोरे हो गए तो? यस, उन्हें लगेगा कि हम अमरीकी. इन द वर्स्ट केस चाइनीज. तो इससे आंखें भी ऐसे होती है? आंखें भी ऐसे होती है? आई डोंट नो. आई वी हैव टू थिंक अबाउट दैट. अच्छा, आप और कौन कौन से प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं हमारी आर्मी के लिए? एक बड़ा ही खतरनाक प्रोडक्ट अच्छा बनाने वाले हम, पूरी दुनिया हिल जाएगी. क्या बात है, बताइए बताइए हमारे दर्शकों को बताइए. एक ऐसी मशीन जी जी बना रहे हैं हम, जिससे आप फोटो खींच भी सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं. मतलब एक ऐसी मशीन जिसे आप कहीं भी घुमाइए, किसी भी दिशा में घुमाओ, एक बटन दबाओ, फोटो खींच जाएगी. हम ऐसी मशीन बना रहे हैं और इसके अंदर होगा एक कार्ड, एक कार्ड, और उसको हमने बड़े प्यार से एक नाम दिया है, मेमोरी कार्ड. है ना कमाल? हाँ, बस फोटो खिंच गई, स्टोर हो गई, मेमोरी कार्ड. सो यू आर ट्राइंग टू से दैट यू आर डेवलपिंग अ डिजिटल कैमरा? मतलब आप ये हमें बताना चाह रहे हैं कि आप एक डिजिटल कैमरा बना रहे हैं? नहीं नहीं, हमने नाम नहीं सोचा अभी तक, पर अच्छा है जो तुमने कहा वो अच्छा है, डिजिटल कैमरा. सुमित तुम लिख के भेज दो पोस्ट बॉक्स नंबर पे, अगर हमें अच्छा लगा, हमने सिलेक्ट किया, तुम्हें
10 पेटी कश्मीरी आम फ्री देंगे. ओके आम हाँ विल सेंड. आई एक्चुअली कांट बिलीव दिस कॉन्वर्सेशन इज हैपनिंग. मतलब ये लोग 2012 में फेयरनेस क्रीम बना रहे हैं और आपने डिजिटल कैमरा का नाम नहीं सुना, आपको शर्म नहीं आती? ये क्या तरीका है बात करने का सुनी? मतलब हद हो गई. दूरदर्शन के एंकर होकर ऐसी मतलब से बात कर रहे हो मुझसे तो? दिस इज अनबिलीवेबल. अरे ये दूरदर्शन नहीं है बे. ये क्या है, ये कौन सा चैनल? अरे सैटेलाइट चैनल है. अब ये मत बोलना कि मैंने कभी सैटेलाइट चैनल नहीं. सैटेलाइट चैनल क्या होता है? मैं कहाँ गया हूँ? मच्छरदानी. क्या मच्छरदानी? मच्छरदानी.